गया मेरे बगल में थैंक यू सो मच बिल्कुल बिल्कुल आप भी आवाज सुन पा रहे हैं ना देन हम सबके फेवरेट इस वक्त अभिजीत भट्टाचार्य यानी कि सुपर सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य इस वक्त कोलकाता शहर में और किसी रेडियो चैनल के साथ उनकी बिल्कुल लाइव बातें हो रही है तो वो हो रही है फ्रेंड्स एफएम पे सुबह से ही हमने बातें की थी। सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अभिजीत सर को। जब जब मैंने कहा कि सर आप कोलकाता आए हो मैं आपके साथ 5 मिनट 10 मिनट बात करना चाहता हूँ फ्रेंड्स एफएम पे आपके फैंस आपको सुनना चाहते हैं उन्होंने हमेशा मुझे समय दिया। अभिजीत सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। अनिमेश को आप लोग देख नहीं पा रहे ये अनिमेश एक्चुअली नॉटी उतना नहीं जितना मैं हूँ तो मुझे देखना है कि आज मैं इसका इंटरव्यू करूंगा कि ये मेरा इंटरव्यू नहीं मुझे पता है कि मेरी पूरी तरह से इस वक्त लगने वाली है क्योंकि अभिजीत सर के साथ बातों में कोई नहीं जीत सकता। हाँ अभिजीत सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो गानों में भी नहीं बिल्कुल यू आर द बेस्ट सर यू आई एग्री विद यू क्या बात है सर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कोलकाता में आए हैं कल सबसे मोस्ट हैपनिंग इवेंट जो है वो होने वाला है थोड़ा सा अगर बता देता है सर। सर क्यों मेरा जब भी आता हूँ इट्स ऑलवेज मोस्ट हैपनिंग इवेंट इट्स बेसिकली दादा के हमारे बर्थडे के लिए हमारे किशोर एक्चुअली मैं सेलिब्रेट किशोर कुमार का बर्थडे सेलिब्रेट तो हर दिन करता हूँ सुबह शाम जब भी होता है चाहे मेरे शोज हों चाहे वो उनका बर्थडे हो चाहे मेरा बर्थडे हो पब्लिक का बर्थडे हो उनके गानों के बिना किसी का भी बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं हो सकता। किशोर कुमार के गानों के बिना किसी का भी बर्थडे तो सेलिब्रेशन नहीं हो सकता। तो ऐसा सोच लीजिए कि 365 डेज किशोर कुमार का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। क्या बात है। वेल बता दो इस वक्त आप 40 लाख लोग इस वक्त फ्रेंड्स एफएम पे हमें सुन रहे हैं और हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज फ्रेंड्स एफएम पे ऑफिशियल फेसबुक पेज और हमारे अभिजीत सर के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे लाखों लोग वर्ल्ड वाइड इस वक्त देख रहे हैं। सर एक के बाद एक लाइक सब दिल इतने सारे वही मैं सीखता हूँ मेरे में ज्यादा बिल्कुल अभिजीत सर के इस वक्त सबसे ज्यादा लाइक्स मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हम सबके फेवरेट है अभिजीत सर। सर सिटी ऑफ जॉय में आना और मैं देख पा रहा हूँ कि आप जैसे आए बाहर से तो मैं सुबह आज ही मिला था एंड ही वाज सेइंग यू आर इन माय सिटी क्या बात है जॉय जॉय इज विद योर रेडियो ना मतलब ही इज आल्सो आरजे नहीं जॉय जॉय अभी तो नहीं है तो एक तो जॉय है बिल्कुल सब हम जॉय जॉय हो जा रहे हैं इस वक्त क्योंकि अभिजीत सर हमारे साथ है। वैसे बारिश भी होगी कोलकाता में आप आए बारिश आए हैं एक्चुअली मैं मुंबई से चलते वक्त ही मेरे बारिश को वहां पे सुने फॉलो मी फॉलो मी सो दे ऑलवेज फॉलो मी बारिश मेरा बहुत बड़ा फैन है और मैं जब भी गाता हूँ रोमांटिक हो जब भी होता है तो सिर्फ गाने से नहीं होता वो बारिश होना भी ज़रूरी है तो वो वेदर को रोमांटिक होना है तो बारिश होगी होगी जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग कैसे आ रहे हैं अभी की बारिश में हमारी फेसबुक से भीग के आया हूँ बिल्कुल आपको मिल रहा है कोई बात नहीं तो इसमें लाइव में तो मैं आपको कुछ पिला नहीं सकता कि आपको चीयर्स नहीं कर सकता नहीं कॉफी शॉपी पियेंगे थोड़ी देर में। मैंने कब बोला कि कॉफी नहीं पियेंगे आप क्यों क्लियर कर रहे हैं कि कॉफी पियेंगे ओके मैंने कब बोला कि कुछ और पियेंगे जी मजा आ रहा है इलिश मत भाजा और खिचड़ी क्या बात है बिल्कुल बिल्कुल इसके बाद ही एक थोड़ी सी हम कुछ पार्टी शार्टी करने वाले। वैसे सर मुझे बताइए मैं सुबह से जब हम बातें कर रहे थे कि आपके साथ हमारी बातें होगी हमारे ट्विटर और हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पे हजारों की संख्या में हमारे पास मैसेजेज आए कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा आपकी म्यूजिकल जर्नी की हम थोड़ी सी आज बातें करना चाहेंगे थोड़ी म्यूजिकली से याद रखेंगे हम 1984 में जैसे कि हम जानते हैं कि आनंद और आनंद से आपकी शुरुआत हुई थी। आप इंटरव्यू कीजिए लेकिन गूगल में जो सब कुछ है वो मत बोलिए जी सर तो पब्लिक आपसे ज्यादा जानती है बिल्कुल मुझे जब नहीं मालूम पड़ता था मैं गूगल से ओके शुरुआत की अगर हम बातें करें शुरुआती दौर की अगर बातें करें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे थे उसके बाद फिर म्यूजिकल जर्नी शुरू हुई कुछ अगर बताएं सर। देखिए एक तो मैं सबको बता दूं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं आज अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होता तो मेरे पास भी एक क्वार्टर होता जी सर मेरे पास एक एक मारुति होती जी और मैं भी एक नौकरी करता लेकिन नहीं हो सका और मेरी मम्मी यही कहती है जिंदगी में गाना गाते हो कोई अच्छा सा जॉब क्यों नहीं करते हो उनको कैसे बताओ कि मेरे लिए चार चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे हैं क्या लेकिन वो नहीं समझती बोलते नहीं कुछ करो तुम तुम्हारा जॉब कहाँ है वो ये सोचती थी हमारे वो अब मेरे भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ मेरे ऊपर के तीनों भाई जो वेल सेटल्ड अच्छी नौकरी कर रहे हैं अच्छी फैमिली है ये हुआ है तो मेरी मम्मी को लगता है कि मेरा बहुत अनसेटल्ड है मैं अभी तक सेटल नहीं हो पाया हूँ भले ही मेरे 10 गाड़ियाँ हो या 20 मकान हो तो उनको ये नहीं समझ में आता कि वो सोचती मैं अभी अनसेटल्ड हूँ सोचती थी आज से 4 साल पहले वो चली गई लेकिन माँ
तुम देख रहे हो ऊपर से कि मैं कितना सेटल्ड हूँ, और आज हमारे दोस्त लोग मेरे सामने मेरे साथ में रेडियो है। रेडियो ऐसा हो गया कि अब तो रेडियो भी रेट्रो हो गए, सारे सुबह से रात तक हमारे गाने बजाते हैं। क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल फॉर द रेडियो स्टेशन एज वेल। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपके गाने हमेशा से बजते आए हैं। वो 1990 से लेके 2000 वाला जो एक दौर था जिस समय हर एक म्यूजिक डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ अभिजीत सर को ही ढूंढ रहा था, और आज भी लोग आपको पसंद करते हैं, आज भी आप एक के बाद एक अच्छे अच्छे गाने गा रहे हैं। तो सर उस दौर की थोड़ी सी अगर बातें करें, क्योंकि एक के बाद हिट नंबर, जितनी मूवीज के नाम याद है उसके जो गाने हैं वो और ज्यादा हिट हुए। देखिए, आई एम लकी कि मुझे जो भी गाने दिए गए हर म्यूजिक डायरेक्टर ने सिर्फ मुझसे मुझे यूज किया है ओनली फॉर देयर बेस्ट कंपोजिशन। यू नो वेदर रफ है, हाईवे में खड्डे हैं, ये है वो है, तो आप कौन सी गाड़ी यूज करोगे? आप बोलोगे कोई भी जीप ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन एक अच्छी बड़ी पार्टी में जाओगे कहीं पे, एक अच्छी जगह आपको शो ऑफ करना है, तो आप एक लग्जरी ब्रांड, लग्जरी कार, कोई भी नाम तो नहीं ले सकते, आप बोलेंगे पब्लिसिटी हो रही है। जैसे मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में ही आप जाएंगे तो लिमोजिन में, तो मैं उनके लिए वही था कि अभी जो भी कोई लैविश एंड अच्छा गाना हो तो उसका बराबर जो जस्टिफिकेशन, गाना तो कोई भी गाता है, अच्छे गाते हैं, सब लोग अच्छे गाते हैं, लेकिन प्रॉपर जो म्यूजिक डायरेक्टर चाहता है, जो गा के समझा नहीं सकता किसी सिंगर को, तो वो फाइनली मुझे अप्रोच करते कि दादा ये गाना आप गा दोगे, तो कहाँ से कहाँ हो जाएगा। अभी रिसेंटली एक पिक्चर बहुत बड़ी फ्लॉप हुई है जिसमें एक मेरा गाना होने वाला था, लेकिन उस दिन मैं बैठा हुआ था वेनिस में, तो मैंने कहा मुझे टाइम दो, मैं पहुंच जाऊंगा दो दिन में, फिर कर लो। उन्होंने नहीं किया, और नहीं किया, देख लीजिए मेरा गाना होता तो शायद बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग ही मूड होता है, वो मूवी भी अलग होती है, वो गाने का भी एक अलग ही अंदाज में हमेशा से गाया। वैसे मुझे बताइए सर, मूवीज की बातें करें तो 18 लैंग्वेजेस सर गूगल से मैंने पता किया है, 18 लैंग्वेजेस, इससे भी ज्यादा हो गए हैं, कितने कितने लैंग्वेजेस सर आपने गाने गा लिए हैं? भाई ऐसे ऐसे लैंग्वेज है जो मुझे भी नहीं मालूम कि कौन सा लैंग्वेज थे, तो मैं 18 तो, प्लस होंगे सर, 20 प्लस, उससे भी ज्यादा होंगे, हो सकता 8-10 ही हो सकता 20 भी हो, क्योंकि मैं बीच में मालदीव गया था तो वहाँ पे भी मैंने गाना गा दिया, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया, ये दिया, तो हार्डली वहाँ पे मेरे गानों का उनके लिरिक्स में बहुत मेरे गाने चलते हैं। बहुत खूबसूरत हो, इस गाने का मालदीवियंस वर्शन इज मोर बिगर हिट देन माय ओरिजिनल सॉन्ग, तो वो मेरे गानों को ही उन्होंने लिरिक्स, मेरे गानों के नहीं बोलूंगा, जतिन ललित के गाने, जतिन ललित का गाना, उस गाने को उन्होंने लिरिक्स चेंज कर दिया, और क्या सारे जगह सबको मालूम है कि अभिजीत का गाना मालदीवियन लैंग्वेज में, फिर मुझे दिया गया लिरिक्स और वो मैंने हिंदी में लिखा और उसको गा दिया, वो फिर से चल रहा है। क्या बात है जी, तो एक के बाद एक हिट नंबर। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि कितना बदलाव आप देख रहे हैं, एक नई जनरेशन आई, गाने जो है आजकल के जो गाने हो रहे हैं, क्योंकि आपसे अच्छा जवाब कोई नहीं दे पाएगा, आपने इतने साल इंडस्ट्री में, आप करीब 30 ईयर्स होने वाले हैं, 27 ईयर्स प्लस हो रहे हैं, तो मुझे बताइए कि ये कितना बदलाव सर देख रहे हैं आप, ये नई जनरेशन को क्या कहेंगे आजकल के जो गाने? कौन सी नई जनरेशन, एक साल आता है दूसरे साल दूसरा, हर वो साल आप कह सकते हर साल एक जनरेशन आता, कुछ लोग 4-5 साल मैं कभी नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं मुझे नाम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को समझ में आता है मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए मेरे रहते रहते जब मैंने शुरू किया था तो स्टैब्लिश शानुदा उदित नारायण जैसे लोग, धाकड़ लोग आए, फिर थोड़े दिन बाद मेरे रहते रहते सोनू आए, उसके बाद शान आए, फिर सुखविंदर सिंह भी थे, अब वो हम लोगों ने काफी 15 साल तक रूल किया हाँ, और बीच में सोनू ने भी ज्वाइन किया, फिर एक न्यू जनरेशन में शान आया, उसके बाद मतलब दिन कम पड़ गए, मतलब हर दिन एक नया सिंगर आना तो शुरू, हर दिन नया जनरेशन आ रहा था। तो अब जो करंट जनरेशन आप बोल रहे, थोड़े दिन पहले के का आया था, तो आप काउंट कीजिए कितने साल था वो, उसके बाद एक बेसुरा पाकिस्तानी सिंगर 2-3 आए थे, नाम भी नहीं लूंगा क्योंकि मेरी जबान मुझे अलाउ नहीं करती इन बेसुरों का नाम अपनी जबान पर लाने में, सरस्वती माँ की आशीर्वाद से मैं नहीं नाम ले सकता, तो कहाँ है वो, कहाँ है। उसके बाद फिर एक ये कुणाल गांजा वाला
एक आया, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन एक आया नीरज श्रीधर, फिर सारे गाने क्या नाम है उसका, मोहित चौहान, कितने दिन उसके बाद फिर कितने आए, अब फिर अभी अरिजीत, ये क्वेश्चन आप मुझे नेक्स्ट ईयर पूछिएगा कुछ और नाम तो वो नए जनरेशन की बात आप हर साल मुझसे पूछेंगे नए जनरेशन की बात। तो सर इसमें किसकी गलती है आजकल के जो मैंने लोग कहा गलती है, मैंने कहा बोला गलती है, नहीं नहीं सर गुड ना, लोग ज्यादा दिन के लिए नहीं रह पा रहे हैं इंडस्ट्री में। मैंने तो करीब 60-70 नाम तो मेरे छूट ही गए जो बोल ही नहीं पाए, क्योंकि आपको आप ऐसे ऐसे गाने, लोगों के गाने सुपर हिट है वो नंदनो मुझे मालूम ही नहीं सिंगर का नाम कितना चला ये गाना। फिर एक एक तो गाना तो लोग सोचते थे कि मैंने गाया है वो वादा रहा प्यार से प्यार का, ऐसे इतने सारे गाने सुपर हिट है जो लोगों ने गाए हैं लेकिन उनको लोग जान नहीं पाए कि किसने गाया। फीमेल सिंगर तो बात ही सोच छोड़ दीजिए, जब तक बंगाल में वो किसी शो के जज में आके बैठ जाते तो लोग पहचानते कि अच्छा इसने ये गाना गाया है, अदरवाइज मुंबई में उनको कोई जानता ही नहीं है। और जब बोलते इसने गाया गाना वो माय गॉड सुपर हिट, फर्क ये इनको सुपर हिट गाना मिलने के बाद भी लोग इनका नाम नहीं जानते, रिकॉल नहीं। और हमारे में फर्क ये है कि मेरा फ्लॉप गाना भी लोग जानते हैं, फ्लॉप से फ्लॉप गंदे से गंदा गाना भी अगर मैंने गाया है तो लोग पहचान जाते हैं कि ये अभिजीत दा ने गाया है। तो सर ये क्या डिश बना के अच्छे तरीके से परोसी जाए ये ऑडियंस को, इसके लिए ये सब लोग सुन रहे हैं आजकल पसंद कर रहे हैं? देखिए वैरायटी होनी चाहिए ना, अगर आप गोविंद भोग खा रहे हैं तो आपको आतुप चाल खा रहे हैं तो सिद्धो चाल भी खाना पड़ेगा और खिचड़ी भी खाना पड़ेगा, बिरयानी भी खाना पड़ेगा, भूनी खिचड़ी भी खाना पड़ेगा। लेकिन आप सिर्फ बिरयानी दोगे तो आदमी एक बार खाएगा दो बार खाएगा, चावल तो रोज खाएगा ना। तो अभी के सिंगर्स इतना डेकोरेटेड, म्यूजिक इतना ट्रैक इतना डेकोरेटेड हो गया क्योंकि कोई बजा नहीं रहा है, एवरीथिंग इज आप लोग या तो मतलब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो अपलोड करते हो, सॉफ्टवेयर से सब हो रहा, कोई रूह से नहीं बजा रहा, कोई हाथ से नहीं बजा रहा, कोई मुंह से नहीं गा रहा, सॉरी पार्श्व गायक है प्लेबैक सिंगर पीछे से गाते हैं ठीक है, लेकिन फिर भी रूह होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हर चीज मैकेनिकल भी नहीं है, अब मैकेनिकल में हाथ से ऑपरेट करना पड़ता है, हर चीज डिजिटल है, तो इतना ज्यादा डेकोरेटेड है तो आप कब तक सिर्फ बिरयानी खाओगे, वो फ्लेवर वो एसेंस नेचुरल कुछ नहीं है। तो आपको सादा खाना बहुत चाहिए, हम लोग सादा खाने हैं जो 24 घंटा लोग खाएंगे और 12 महीना खाएंगे, तो उसका एक क्लास होता है, माँ के हाथ के खाने का एक क्लास होता है। सबसे ज्यादा वेट बढ़ता आपको कहाँ पे मालूम है? जब आपकी वाइफ या आपके घर पे या मम्मी खाना बनाती है ना, उससे सबसे ज्यादा आपका वेट बढ़ता है क्योंकि आप ओवर ईटिंग करते हो। लेकिन रोज रोज आप रेस्टोरेंट में खाओगे तो आप एक फॉर्मेलिटी के लिए खाओगे, उसमें आपका वेट नहीं बढ़ेगा। सो मुझे मेरा सबसे ज्यादा वेट बढ़ता है, पेट वेट आ जाता कभी कभी, तो ओनली बिकॉज आई हॉग एट होम, जो रेस्टोरेंट पर अभी मैं बैठा हूँ, हयात में बैठा हूँ कलकत्ता में, लेकिन मुझे मैं हार्डली कुछ ऑर्डर करूंगा, मुझे भूख ही नहीं लगती घुसते ही। तो जैसे ही मुझे अपने दोस्त के घर पे जाऊंगा अभी रात को खाना खाने, ओए बाबा रे बाबा इलिश थक गए, तो इलिशे पेटे डिमो आके इलिशे डिम खाबो, আমরা মাছের বড়া খাবো, বড়ি দিয়ে সুক্তনি খাবো, আর মোরলা মাছ হয়েছে, এইগুলো আমার টেস্ট, মোরলা মাছ হবে, পাবদা হবে, আর লাউ চিংড়ি হবে, তো এইগুলো আমি ওভার ইটিং করবো। তুমি আমাকে নিচে বসে দেবে একটা পাঁচশো একটা বিরিয়ানি কেন একটু খাবো বেরিয়ে যাবো হয়ে গেল বিলকুল। ব্যাচে ব্যাচে সব স্যার কি বাতে হই তো গানো কি বাতে আমি একবার ফির সে করেন স্যার এক এক দৌড় আয়া থা জব এস আর কে কে জিতনে গানে হ্যায় স্যার আপ হি যে থে অর সব হিট হুয়ে থে নেই তো ও ও ভি আগার ইউ আর রং আজ পাবলিক কো মালুম পড়না চাহিয়ে কি এস আর কে কে শায়দ মানে সবসে মতলব উস জেনারেশন মে জব মে সোনু শানু উদিত চারো গা রহে থে तो शायद मैंने सबसे कम एस आर के का गाना गाया होगा। नहीं सर जितने गाए नहीं जितने जितने एवरग्रीन गाने बिल्कुल टाइम भी बहुत गाने बने लेकिन वो आज उतने सुनाई नहीं पड़ते हैं जितना गाना मेरा अमर हुआ है। बस यही फर्क है, किशोर कुमार ने देवानंद के लिए जितने गाने गाए उससे ज्यादा देवानंद के लिए रवि साहब ने गाए, उससे ज्यादा देवानंद के लिए हेमंत कुमार ने भी गाया और तलत महमूद ने भी गाया। वाई पीपल मेड किशोर कुमार वॉइस सो मतलब रिकॉग्नाइज
फॉर देवानंद. तो दैट वॉज अ ये बना है. मतलब लोग सोचते किशोर कुमार के गाने सबसे ज्यादा देवानंद को क्यों सूट है. आपके इसीलिए बताओ राज खन्ना के लिए सब सिंगर्स ने गाए. मुकेश जी के सुपर हिट गाने कोई जब वही कहीं दूर मैंने तेज सब मुकेश जी ने बहुत गाने गाए. रफी साहब ने कितने गाने गाए बागों में बहार है. रफी साहब ने किशोर दा के लिए बहुत से गाने गाए. लेकिन वही वॉइस राज खन्ना के लिए किशोर कुमार मतलब रफी साहब ने राज खन्ना के लिए गाया मुकेश जी ने राज खन्ना के लिए. लेकिन राज खन्ना का जब भी आता है तो किशोर कुमार जी वहाँ पे फिट बैठते हैं. तो इसी तरह शाहरुख खान के लिए जब जब मैंने गाया पिक्चर शायद फ्लॉप हो गई. मेरे मैक्सिमम शाहरुख खान के पिक्चर या बहुत सुपर डुपर हिट फिल्मों में मैंने नहीं गाया. मैंने शाहरुख खान के लिए किसी बड़े बैनर में नहीं गवाया. मुझे करण जौहर जी ने कभी शाहरुख खान के लिए मुझे नहीं गवाया. यश चोपड़ा के किसी एक पिक्चर में शायद मैंने एक या दो पिक्चर में डर बोल दीजिए और दिलवाले दुल्हन वाले दो गाने गाए जिससे मेरा गाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था. तो मेरे जितने भी गाने हैं अगर बड़ी मुश्किल है फ्लॉप पिक्चर है सुपर डुपर बता रहा हूँ तो वो एक पहचान बन गई अरे ये शाहरुख खान का गाना. फिर आप देख लीजिए बादशाह इज नॉट अ सच अ मेजर हिट नॉट अ सच अ बिग बैनर लेकिन सारे गाने उन्होंने दूसरों ने भी गाए और मैंने भी गाया लेकिन मेरे गाने निकले. यस बॉस में सारे सिंगर्स ने गाए लेकिन देखिए कि मेरे चलते चलते में सारे सिंगर्स ने गाए लेकिन वेयर इज माई सॉन्ग स्टैंड्स. सो ये नहीं है कि मैंने शाहरुख खान के सारे हिट गाने मेरे नहीं. मैंने जितने शाहरुख खान के लिए गाए वो सारे हिट हैं और एवरग्रीन है एंड दे आर द बेस्ट. जब भी शाहरुख खान याद किया जाएगा तो ही विल बी नोन ही विल बी रिमेम्बर्ड ओनली बाय द बेस्ट सॉन्ग्स. सर मुझे बताइए कि जो आज मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लिया लेकिन आप मेरे हमेशा से इसलिए फेवरेट रहे हैं कि आपने जो कहा है आपने सामने आकर कहा है पीठ पीछे कुछ नहीं कहा है. जो भी आपने मीडिया से बातें की एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड की है. तो इसके कारण बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज भी हमने देखे. नहीं मैं ये 23 मई की बातें करना चाहूँगा ट्विटर अकाउंट लेके. सर ऐसा क्यों होता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है. देखिए क्या होता है मैं मेरे फैन पूरे वर्ल्ड में मुझे अभी देख रहे हैं. आप देख रहे हैं कैसे बौछार. बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह ये और बढ़ते रहे बढ़ता जाएगा. मेरे सबसे ज्यादा फैन आपको मालूम है अगर आप सरप्राइज होगा कि मेरे सबसे ज्यादा फैन फॉलोअर्स कहाँ पे. फेसबुक में भी जाएंगे या रियल में सबसे ज्यादा मेरे फैंस है पाकिस्तान में. सबसे ज्यादा पाकिस्तान में मेरे फैन. पाकिस्तान का कोई सिंगर के उतने फैन नहीं है जितने पाकिस्तान में अभिजीत के फैन है. लेकिन उनको ये गलतफहमी क्यों है कि मैं पाकिस्तानियों के बारे में ऐसा बोलता हूँ. नहीं है किसी हमारे मुसलमान भाइयों में ये बात क्यों है कि मैं उनके अगेंस्ट में. बिल्कुल नहीं है. एक मुसलमान जितना बड़ा देशभक्त है मैं भी उतना ही बड़ा देशभक्त हूँ. मैं इंडिया के बारे में बात करता हूँ जहाँ पे बॉर्डर की बात आ जाती है जहाँ पे टेररिज्म की बात आ जाती है तो पूरा देश एक हो जाता है. तो जितना एक पाकिस्तानी अपने देश को प्यार करता है मुझे गर्व है कि पाकिस्तानी अपने देश से कितना प्यार करता है तो उसी तरह मैं भी अपने देश को प्यार करता हूं. ये क्यों भूल जाते हैं. तो मेरा जंग एज अ आर्मी मैन है. अगर मैं आर्मी मैन इंडिया में अगर मैं म्यूजिक नहीं होता ही होता तो इस उम्र में भी आर्मी ज्वाइन करा दो तो मैं करूंगा. तो मेरा काम क्या देश की रक्षा करना. तो जितने पाकिस्तानी लोग मुझे ट्रोल करते हैं या मुझे खराब बोलते हैं मुझे गलत देते हैं उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे जब देश की बात आ जाती है ना तो वो सच्चे पाकिस्तानी दिखाते हैं खुद को. तो मैं भी अपना सच्चा हिंदुस्तानी ही हूँ. और हमारे कंट्री में बहुत ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि जो हमारी इस कंट्री में पाकिस्तान के सपोर्टर बहुत ज्यादा हैं. तो मैं उनके अगेंस्ट बात करता हूँ तो ये ट्विटर ने मुझे बंद कर दिया. दैट इज द ओनली रीजन बिकॉज आई एम नेशनलिस्ट. और मुझे ट्विटर ने बंद किया है क्योंकि ट्विटर इज एंटी नेशनल. उनका उनका जो उनको हैंडल करते हैं जो वो लोग जिस तरह के पोस्ट को वो लोग कभी बैन नहीं करते हैं. माँ बहन की गालियां पूरी तरह से दे रहे हैं और बोलते कि मैंने औरतों को कभी एक किसी को क्योंकि ट्विटर में मेरा एक अभद्र लैंग्वेज नहीं है. मेरा अभद्र से अभद्र लैंग्वेज हुआ है बेशरम बुढ़िया. इससे बड़ा अभद्र लैंग्वेज कभी यूज नहीं किया. यहाँ पे औरतें लोग ये आपके JNU के कोई प्रोफेसर हैं या पॉलिटिशियन हैं या कोई जर्नलिस्ट हैं उनकी लैंग्वेज देख लीजिए मत शर्मा जाए. सब जब औरतें एंटी नेशनल बन जाती हैं तो मैं उनका कोई जेंडर नहीं देखता हूँ.
एक एंटी नेशनल एंटी आर्मी एंटी कुछ भी जो हमारे देश को गाली देता है, हमारे देश में हमारे जवानों को गाली देता है, जो पत्थरबाजों को सपोर्ट करता है, तो मैं उनका जेंडर नहीं देखता हूँ। मेरे लिए वो उतने ही बड़े टेररिस्ट हैं जितना एक मर्द होता है, तो वो औरत को मैं औरत नहीं देखता हूँ। तो मैं बराबर उनकी बैंड बजाता हूँ। ट्विटर को बुरा लगता है तो ट्विटर ने मुझे बैन किया, ये उनका लॉस है जी। सोनू निगम का भी यही वो लोग करने वाले थे, उसके अगेंस्ट इतने सारे रिपोर्टिंग हो गई थी पूरे वर्ल्ड से। उसने कभी किसी धर्म को उसने खराब नहीं बोला, उल्टा बंगाल में बैठे हुए एक कादरी नाम के आदमी ने सोनू निगम जैसे एक नेशनल सिंगर को, आप बोलते उसको जूते का हार पहनाएंगे, तो मैंने क्या जवाब दिया आपको मालूम है टीवी में? तो उसका जवाब मुझे मालूम है किस लैंग्वेज में देना चाहिए। सो इट इज सैड कि हमारे कंट्री में रह के हमारे लोगों को गाली देते हैं, हमारे एंटी नेशनल बातें करते, तो वो हमसे सहा नहीं जाता। और मैं जब नेशन के लिए देश के लिए कुछ बोलता हूँ तो ट्विटर से सहा नहीं जाता। हु केयर्स ट्विटर, इट इज ट्विटर्स लॉस। तो सर आने वाले दिन में ट्विटर में आ सकते हैं सर, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, सेकेंड टाइम फिर से उसे ब्लॉक कर दिया गया, क्या आप फिर से आना चाहेंगे अगर हुआ वैसा? मैं नहीं हूँ तो कितने अभिजीत मेरे ट्विटर पे, इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं ही रहूँ। मेरे जाने के बाद कितने अभिजीत आ गए ट्विटर पे, लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें से अभिजीत कौन है, रियल कौन है। तो मैंने एक में खुद ही वेरीफाइड कर दिया था कि ट्विटर क्या वेरीफाइड करेगा, मैं खुद अभिजीत हूँ। मैं आज बोल रहा हूँ कि ये मैं हूँ ट्विटर पे, ये मेरा अकाउंट है, मैं खुद वेरीफाई कर रहा हूँ। ट्विटर ने 3 घंटे में बंद कर दिया, ये पॉसिबल ही नहीं है। 3 घंटे में आप कितनी रिपोर्टिंग नहीं होगी, आप प्रोसेस में जाना पड़ता है, उसके लिए 2-3 दिन लगता है, वार्निंग आता है, इन्होंने कोई वार्निंग नहीं दिया। 3 घंटे में मेरा ट्विटर बंद कर दिया, क्योंकि सब लोगों के फ़ोन चलेगा जो लोग ट्विटर को प्रमोट करते हैं, कंट्री के बॉलीवुड के लोग हैं, जौहर्स हैं, खान्स हैं, भट्स हैं, ये लोग, ये जो इनके खिलाफ किसी को बोलने का वो नहीं मिलता। एक हमारी वो जो हीरोइन क्या क्वीन वाली क्या नाम है उसका, क्वीन की हीरोइन कंगना रनौत, हाँ कंगना रनौत ने हिम्मत की है कुछ बोलने की, और मैं करता हूँ तो इनका फ़ोन डायरेक्ट ट्विटर पे जाता है तो बंद हो जाता है, कोई सिस्टम नहीं है। बिल्कुल। तो सर मुझे बताइए कि कुछ म्यूज़िक की बातें फिर से कर, कुछ काफ़ी सीरियस हम हो गए हैं रेडियो पे, सर आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइए, क्योंकि हम आपको बहुत मिस करते हैं, हम चाहते हैं कि और ज़्यादा आप गाने गाएं, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो 2.5 साल की है, वो भी आपके गाने अभी भी सुनती है, उसको काफ़ी पसंद आता है। देखिए कितना लकी, आपकी बेटी ये नहीं बोलती कि अभिजीत जी कौन सी पिक्चर में खुद गाना गाएंगे, वो तो ज़िंदगी भर मेरा गाना सुन सकती है। अभी का सबसे अच्छी बात क्या कि आप जब मर्जी मेरा गाना सुन सकते हैं, और आई एम लकी कि मेरे गाने पास नहीं है, मेरे गाने गुजरे हुए गाने नहीं हैं जो आप लोग नहीं सुनते, मेरे गाने आज के दिन ज़्यादा सुने जाते हैं। आपके कितने रेडियो स्टेशन अभी शुरू हुए हैं जो सिर्फ हमारे गाने ही बजाता है, वो दूसरे गाने बजाता ही नहीं है, तो आप किस गाने को सुनेंगे? आपने आज सुना क्या बढ़िया है, परसों कोई और आ गया, तरसों कुछ और आ गया, ये देखिए ना लाइन से कितनी पिक्चर रिलीज हुई, उनके गाने बजा बजा के आपने सड़ा दिए, टीवी में प्रोमो बजा बजा के, रेडियो में प्रोमो बजा बजा के, कहाँ चलते, नहीं चलते। सिर्फ यही चलता है, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, सुनो ना सुन लो ना, कभी ये गाने इतने प्रमोशन नहीं हुए, लेकिन आज ज़्यादा चल रहा है। बिल्कुल। आखिरी 2 सवाल सर आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये तो सिंगर्स की बातें होगी, लेकिन आजकल सर लिरिक्स जो हैं वो भी काफ़ी धमाकेदार होती हैं, अजीब अजीब वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, किसी को बेस पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आजकल की लिरिक्स क्या वैसी है जैसे पहले हम सुना करते थे जब मैं बचपन में था, उस तरह की मैंने तो नहीं सुने थे, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये लिरिक्स काफ़ी चेंज हो गई है, जो इस लिरिक्स की वजह से तो मेरे को भी प्रॉब्लम हो गया, मेरे मैं अभी तक कान में रुई देके रखा हुआ था, लेकिन अभी निकाला, मैं चेक करा था है कि नहीं, खैर बट इट्स अ फैक्ट। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे कान में इतनी परेशानी क्यों हो रही है पिछले करीब कुछ सालों से, और मैं क्यों कान में रुई लगाता हूँ, क्योंकि मैं दोष नहीं दे सकता, मेरे घर पे भी मेरे यंग बच्चे वो लोग भी गाने सुनते हैं, आई एम नॉट हिपोक्रेट, बट इट्स अ फैक्ट कि जब भी मेरे घर पे पार्टी होता है तो ये बेस पसंद है और शार्क पसंद है और 4 बोतल वोडका, ये यही चलता है मेरे घर पे पार्टी में, और मुझे भी नाचना पड़ता है, मैं भी इंजॉय करता हूँ, लेकिन म्यूजिक कुछ और होता है, ये बनता है पैरों के लिए, बोलते ना माय फुट शुड रिएक्ट, ये इस तरह का गाना आज के दिन, और जब आप गाड़ी में बैठ के गाना सुनेंगे तो
तो हमारे सीडीज लगा देंगे सुनने के लिए, ये गाना एंजॉय करने के लिए। तो ये एक, इसको म्यूजिक नहीं बोल सकते, इसको एक बता सकते हैं कि बार म्यूजिक है, डिस्को के लिए है, जहाँ पे कोई म्यूजिक नहीं सुनता, उनको अपने पैरों से काम करना है, तो पैरों के लिए म्यूजिक बनाते हैं। तो म्यूजिक इज फॉर माइंड फुट वाला ट्रेंड शुरू हो गया, तो म्यूजिक इज फॉर माइंड, फॉर सोल, फॉर योर हार्ट, वो हमारे पे छोड़ दीजिए। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सर। आप जब तक हैं, हम अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनते रहेंगे, अच्छे अच्छे गाने हम सुनते रहेंगे। जाते जाते दो लाइन अगर आप गुनगुना दें अपने फैंस के लिए, आपके ऑफिशियल फेसबुक पेज के लिए, हमारे फ्रेंड्स एफएम के ऑफिशियल फेसबुक के लिए, और जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं लोग हमारे फ्रेंड्स एफएम, उन सभी के लिए दो से चार लाइन अगर आप सुना दें सर, कोई भी आप। देखिए, कल जिस प्रोग्राम के लिए मैं आया हूँ, तो मैं अपने गुरु को बिल्कुल ये गाना डेडिकेट करूँगा। ये भी एक ऐसा गाना था जो अपने टाइम में उतना पॉपुलर नहीं हुआ था, पिक्चर भी नहीं चली थी, लेकिन गुरु की वजह से ये गाना आज अमर है किशोर कुमार के लिए। तो इसी प्रोग्राम के लिए मैं आया हूँ, और थोड़ी देर में मुझे शानुदा भी ज्वाइन करेंगे, मैं भी रहूँगा। बेसिकली हम दोनों इस प्रोग्राम के लिए आए हैं कलकत्ता में। दोस्तों आमी कोलकाता आछी, बृष्टि होच्छे, और एकटू रात्रिरे इलिश माछ भाजा खिचुड़ी खेते जाच्छी, ठीक आछे, आमी गाइछी। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली ओ हंसिनी मेरी हंसिनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली। इस गाने का बेस्ट क्या है कि मैं जब इसको परफॉर्म करता हूँ तो मेरी एक जुगलबंदी होती है मेरे ट्रम्पेट प्लेयर के साथ, शो सोरा, वो बजाएगा और पारा बा पारा पारा पर तारा रा रा रा। तो इस तरह से जब हम लोग स्टेज में जब होते, फिर भूल जाते हैं कि ट्रैक क्या चल रहा है, क्या चलता है, फिर हम जुगलबंदी को लग जाते हैं। थैंक यू सो मच अभिजीत सर हमारे साथ बातें करने के लिए। अभिजीत सर ने कहा था कि सिर्फ मैं 15 मिनट दूंगा, लेकिन मैंने उनसे 28 मिनट ले लिया सर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। ये तो 15 मिनट से भी कम हुआ। सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। मैं चाहूंगा आने वाले दिनों में भी आप इसी तरह हम सबको एंटरटेन करते रहे। एक चीज बताइए, जॉय नहीं आया आज? यू सेड यू आर द सिटी ऑफ जॉय। हां, सिटी ऑफ जॉय नहीं है, लेकिन अभी तो हम सिटी ऑफ ममता दी के हैं। ममता दी को सुनेंगे कि सिटी ऑफ जॉय में, वो माइंड कर जाएंगी कि ये मेरा शौहर है, सिटी ऑफ जॉय नहीं है, ये सिटी ऑफ ममता दी है। ओके सर, इंटरव्यू खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। यू आर द बेस्ट सर, यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फ्रॉम मी, बैक टू यू स्मृति।